उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजे आने के बाद से ही अपने भतीजे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से नाराज बताए जा रहे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल यादव ने क्या अब जंग का आगाज कर दिया है। दरअसल इस बात में इसलिए भी दम दिखता नजर आ रहा है क्योंकि शिवपाल यादव ने शुक्रवार को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी एवं राष्ट्रीय प्रादेशिक प्रकोष्ठों के कार्यकारिणी अध्यक्ष समेत संपूर्ण प्रवक्ता मंडल को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया। जी हां, अखिलेश यादव के साथ खटपट के बीच शिवपाल के बेटे और पार्टी के महासचिव आदित्य यादव ने भंग करने के आदेश जारी कर दिए। शिवपाल यादव का ये फैसला तब आया जब ये अटकलें थी कि चाचा भतीजे में एक बार फिर से सुलह हो सकती है। हालांकि इन खबरों पर ना तो शिवपाल और ना ही उनकी पार्टी ने कोई प्रतिक्रिया दी। प्रस्ताव की कार्य समिति भंग करने के फैसले को लेकर कहा जा रहा है कि ये शिवपाल यादव के अगले राजनीतिक कदम से जुड़ा हुआ हो सकता है क्योंकि कुछ दिन पहले ही शिवपाल यादव ने कहा था कि उचित समय आने पर वो फैसला लेंगे। तो क्या ये वही फैसला था जिसके बारे में शिवपाल यादव बात कर रहे थे? फिलहाल इस बारे में उन्होंने अभी तक कोई बयान नहीं दिया। दरअसल चुनाव के रिजल्ट के बाद से ही शिवपाल भाजपा के नजदीक जाते दिख रहे हैं। भाजपा की ओर से उनके लिए स्वागत करने की बात भी कही जा रही है। ऐसे में प्रसपा की कार्य समिति को भंग करना भाजपा में जाने के तौर पर भी देखा जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि जसवंत नगर सीट शिवपाल अपने लिए छोड़ सकते हैं और खुद भाजपा के सहारे राज्यसभा में जा सकते हैं। अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल के बीच कई वर्षों के विवाद के बाद पिछले चुनाव में दोनों के बीच सुलह तो हो गई थी। दोनों के बीच विवाद 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले शुरू हो गया था, जिसके बाद शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का गठन कर लिया था। हालांकि चुनाव में उन्हें खासा सफलता नहीं मिली थी। वही जब पिछले दिनों अपने पिता से मिलने अखिलेश यादव पहुंचे थे तो जब उनसे शिवपाल यादव यानी उनके चाचा को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधे कह दिया कि मुझे जानकारी नहीं है। यही नहीं, अखिलेश ने ये भी कहा कि बीजेपी को बधाई कि वो परिवारवाद को खत्म कर रहे हैं। यानी कि अखिलेश ने भी कहीं ना कहीं ये मान ही लिया कि चाचा शिवपाल बीजेपी ज्वाइन करेंगे और यही रीजन रहा कि उन्होंने इनडायरेक्टली वे में चाचा शिवपाल को बधाई दे दी। मुझे कोई जानकारी नहीं है उसके बारे में, कोई जानकारी नहीं है। मैं नहीं, नहीं, इसलिए मैं बधाई देता हूं आपको, बीजेपी के लोगों को कम से कम परिवारवाद तो खत्म कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच शिवपाल यादव ने ये बड़ा ऐलान कर दिया और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की कार्य समिति भंग कर दी। लेकिन अगला कदम शिवपाल का क्या होगा ये आने वाले वक्त पर ही साफ हो पाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। खबर देख रहे हैं फेसबुक पर, लाइक कर दीजिए फेसबुक पेज को। अब उपलब्ध है 1100 प्लस डिजिटल केबल नेटवर्क पर एन एंड्रॉइड बेस्ड डीटीएच स्मार्ट सेटअप बॉक्स सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म। 24 घंटे लाइव देखिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर।